वेलकम टू माय चैनल हैदराबादी फूड स्टोरीज। जैसे कि आप लोग देखे लास्ट वीडियो में अपन ऊटी टूर पे है, तो ऊटी के बेस्ट प्लेसेस क्या क्या है घूमने के वो आए अपन। वेंस लॉकडाउन नेचुरल ट्रायल बोल के एक शूटिंग स्पेस है, शूटिंग बोले तो बंदूका वाला शूटिंग नहीं भाई, मूवी का शूटिंग, इसीलिए आपको जबरदस्त वेलकम कर रहे। ऐसा अंदर जाते कि वो छोटा हटके जैसा दिख रहा नहीं, उसके अंदर टिकट लेने का है। पर हेड मिनिमम 10 रुपीज़ का टिकट है भाई, वो टिकट ले लेना और उसके अंदर चले जाने का है। और यहाँ पे गए तो इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, ये लैंडस्केप है। अंग्रेजों के टाइम पे ये प्लेस को हंटिंग के जैसा यूज करते थे, कते उन लोग चले गए तो अपन लोग हंटिंग तो बंद कर दिए। अब इसको कैसा यूज करना बोल के सोच सोच के इसका पूरा ब्यूटी देख के बॉलीवुड वाले पूरा कब्जा कर लिए भाई। जबरदस्त मूवी के शूटिंग्स लेना है, गाने वगैरह बनाना है, तो ये जगह में आके एक से एक गाने बनाए सो है भाई। आप लोग ये पूरा वीडियो देखो, आप लोगों को ये प्लेस देख के कौन से गाने याद आए आप लोग कमेंट में डालो, अपन देखेंगे किसको कितना याद है। सो इसको 9th माइल शूटिंग स्पॉट भी बोलते भाई। ये एक जबरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ये ऊटी से कम 15 किलोमीटर दूर है। रस्ते में ही अपने को पायकारा वाटरफॉल्स और ये 9th माइल शूटिंग स्पॉट, ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस है भाई। आप लोग रोज वीडियो देखो, एक से एक प्लेसेस बताने वाली हूँ मैं। कई को बोले तो ऊटी तो बहुत ब्यूटीफुल है भाई, और ये सीजन में गए ना आप लोगों को बहुत मजा आता। ये प्लेस पे शूटिंग हुई सो गाने में आप लोगों को थोड़ा याद दिलाती, दीवाना मूवी में ऐसी दीवानगी बोल के गाना है नहीं, वो भी यही प्लेस में शूट करे सो है। और कुछ कुछ होता है का टाइटल सॉन्ग इधर ही है, राजा हिंदुस्तानी का जो सॉन्ग है नहीं, पूछो जरा पूछो वो वाला गाना भी इधर ही शूट हुआ सो है। और बहुत सारे प्लेसेस है भाई, पूरे ऊटी तो पूरा शूटिंग स्पॉट है। नहीं बोले तो अभी आप लोग इधर गए तो एक ना एक वैनिटी वैन तो दिखती। कई को बोले तो तकरीबन रोज इधर शूटिंग्स होते ही रहते, इतना ब्यूटीफुल प्लेस है ये तो। ये देखते देखते जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे आप लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू। आप लोग मेरे को ऐसी सपोर्ट करे तो मैं और नए नए वीडियोस बनाती। और आप लोग भी चाह रहे कि मैं कोई नई प्लेस की वीडियो बनाऊं बोले तो कमेंट में डालो, मैं आपके कमेंट को जरूर रिप्लाई करती। और मैं तकरीबन रोज एक ना एक वीडियो डाल रही भाई, आप लोग रोज वीडियोस देखो और शेयर करो, और सब्सक्राइबर्स अपने फटाफट से अपन 10,000 कर देंगे भाई। कई को बोले तो मेरे को भी एक मोटिवेशन आता और मैं और नए नए वीडियोस बना सकती। जल्दी से जल्दी जितना से आपको हो सका आप लोगों को सबसे शेयर करो और फटाफट 10,000 सब्सक्राइबर्स करा दो भाई। ये प्लेस तो एकदम बॉलीवुड लवर्स के लिए एकदम नॉस्टैल्जिक है भाई, बहुत सारे मूवी के लोकेशंस आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। वेदर के हिसाब से व्यू तो बहुत ब्यूटीफुल था भाई, एकदम ग्रीनरी, सब जगह से फॉग, अच्छा दिखा मेरे को तो। आप लोगों को कैसा दिखा कमेंट में बोलो। इतना एक है, इधर किधर भी जाओ लंबाई लंबा चलने का है भाई। फुल जोश में और सही वेदर में च्यवनप्राश खा के आ गए ना भाई, बहुत एंजॉय कर सकते। इधर आप लोगों को हॉर्स राइडिंग भी रहता, जो भी ऊपर नहीं चढ़ सकते उनको घोड़े पे बिठा के लेके आके पूरा व्यू दिखा के लाते, और हाइकिंग भी कर सकते जो भी चल सकते उन लोगों के लिए तो बेस्ट है भाई। आप लोग चले तो ही बहुत मजा आता, घोड़े पे उतना एंजॉय नहीं कर सकते। और आप लोग नज़ारे तो देखे ही छे, फोटोशूट के लिए तो बेस्टम बेस्ट प्लेस है भाई। और इसके बाहर जो भी है ना भाई, पूरे जंगल में निकले सो नेचुरल चीज़ा हैं, आप लोग खाए तो फैन हो जाते। ये कैरेटा देख रहे कितने फ्रेश है, उधर पीछे के खेतों में उगाए सोई छे। ये फ्रूट्स वगैरह भी बहुत हेल्दी रहते, आप लोगों को एकदम ऑर्गेनिक फूड मिल जाता। और यहाँ के फ्रूट्स तो आप लोग ट्राई करो भाई, एकदम टेस्ट अनोखा है। और ऊटी पाइन ट्रीज के लिए भी बहुत फेमस है भाई, लंबे लंबे झाड़ा रहते करेक्ट डिस्टेंस पे उगाए सो, और इतना ब्यूटीफुल दिखता, ये थोड़ा स्केरी भी रहता। कई को बोले तो ये प्लेस में बहुत सारे हॉरर मूवीज भी शूट करे सो है। मेरे को सबसे ज्यादा हॉरर मूवी लगी बोले तो राज, यही झाड़ों के पीछे से भूत निकलते रहती, इतना स्केरी भी लगा। नहीं बोले तो इधर इतने अच्छे अच्छे गाने भी बने सो है। आप लोगों को कुछ गाने वगैरह याद आए तो कमेंट में बोलो, अगर आप लोगों को याद नहीं आए बोले तो मैं थोड़ा एक और एक बोलती। वो टाइम के फेमस सुभाष घाई के मूवीज में बहुत सारे गानों में ये प्लेस को शूटिंग करे सो है भाई। मेरे को तो मेरा फेवरेट है हीरो मूवी का निंदिया से जागी बाहर, इसमें से ही मीनाक्षी शेषाद्री जो एक्ट्रेस है उन्होंने निकल के जाते रहती। ये प्लेस तो बहुत नॉस्टैल्जिक है भाई, बहुत सारे अपन देखे सो रियल लाइफ में देख रहे प्लेसेस, रील पे देखे सो रियल के जैसा है ये, और बहुत ब्यूटीफुल है। आप लोग ग्रुप के साथ आए तो फुल एंजॉय करते भाई, अकेले आए तो भी आप लोगों को एक कामिंग प्लेस है ये, उतना ब्यूटीफुल है। आप लोगों को कैसा दिखा कमेंट में बोलो, अपन मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।